नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके पहले मैं आपको कुछ आपको बताना चाहता हूं कि आप जब वीडियो देखेंगे, शुरू करेंगे तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि उसमें आपको आप सब समझ में आने वाला है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन किन किन मुद्दों पर होता है, और सब कुछ इस वीडियो में हम बता देने वाले हैं। और ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। और दूसरी एक बात ऐसी है कि जब आप YouTube पे वीडियो चालू करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो उसके बिल्कुल फिक्र मत करें दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, HD क्वालिटी का वीडियो हम अपलोड करते हैं। YouTube को थोड़ा टाइम लेता है YouTube उसे क्लियर करने के लिए, उसके बाद वो वीडियो अच्छा दिखता है। तो ये बात आप ध्यान में रखो और इस वीडियो को पूरा देखें, और हमारा वीडियो अच्छा लगने के बाद उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में। सॉइल का क्लासिफिकेशन किन किन मुद्दों पे होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। उसमें कौन कौन सी मेथड आती है? पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, टेक्चल चार्ट क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड पब्लिक रोड एसोसिएशन क्लासिफिकेशन, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। इन मुद्दों पे हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसमें से पहला है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। इन दिस मेथड सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस द डायमीटर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन इट। तो आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, 75 माइक्रोन से नीचे सिल्ट होते, 2 माइक्रोन से नीचे वाले क्ले होते, उसे फाइन ग्रेन्ड कोई जो सॉइल कहते, उसके ऊपर 75 से 4.75 के एम तक सैंड होती है, उसमें भी फिर सब डिवाइड करने के बाद 75 से 425 माइक्रोन तक फाइन आती है, 425 से 2 एमएम तक मीडियम, 2 एमएम से ऊपर कोर्स आती है, 4.75 से 80 एमएम तक ग्रेवल, उसमें 4.75 से 20 एमएम तक फाइन, और 20 से 80 तक कोर्स आता है, और 80 एमएम से 300 एमएम तक कॉबल आता है, और 300 ऊपर बोल्डर आता है। तो इसे कहते हैं कोर्स ग्राइंड सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल। ये जो क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो हो गया पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, एक क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद आता है टेक्चर क्लासिफिकेशन। टेक्चर क्लासिफिकेशन में क्या है, देखो, इन दिस मेथड सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्टी, सिल्ट एंड क्ले। मतलब परसेंटेज कितना है सैंड, सिल्ट का, क्ले, उसके डिपेंड टेक्चर क्लासिफिकेशन करते हैं। लोम सॉइल इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफाइनेड प्रोपोर्शन, बट नो कंटेंट शुड मोर देन और इक्वल टू 50%। 50% से ऊपर और इक्वल टू 50% नहीं होना चाहिए। इन दिस मेथड स्टैंडर्ड टेक्सचरल चार्ट इज यूज्ड। ऐसा टेक्सचरल चार्ट होता है, उसमें क्या होता है, इधर देखो 0 to 100 लिखा, परसेंटेज सैंड लिखा, इधर 0 to 100 क्ले लिखा, और इधर 0 to % सिल्ट लिखा। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन इक्वल टू 50 या 50% ऊपर नहीं चाहिए, तो उसे हम टेक्सचर क्लासिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, इधर लेट इन ए सॉइल 35% सैंड, 25% सिल्ट प्लस 30% क्ले आ गया, तो सॉइल नेम इज रिटन हियर, इधर सॉइल का नेम रिटन करते हैं। ये हो गया टेक्सचर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद हम आगे देखने वाले है थर्ड क्लासिफिकेशन हम देखने वाले, वो है हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। पिछले पेज का अपने मैंने हाथ निकलता था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसका, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्कैन करते, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ओके। हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल फॉर पेवमेंट रोड कंस्ट्रक्शन। इन दिस मेथड सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल, आईपी परसेंट, कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, लिक्विड लिमिट होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी डब्ल्यूएल परसेंट होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल व्हेन यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडेक्स नंबर नोन एज ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स जीआई इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इंपिरिकल फॉर्मुला। इंपिरिकल फॉर्मुला है ग्रुप इंडेक्स का, जीआई इज इक्वल 0.2 ए प्लस 0.005 एसी प्लस 0.01 वीडी हो गया। तो वेयर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, हम देखेंगे। ए क्या ए है, इट इज अ पोर्शन ऑफ द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन से ग्रेटर देन 35% बट नॉट एक्सीडिंग 75%। 35% से ऊपर होना चाहिए, 75% से नीचे होना चाहिए। तो रेंज कितनी आ गई, लोअर लिमिट 35, अपर लिमिट 75 आ गया, रेंज 40 आ गई, ठीक है। मतलब 75 माइक्रोन से पास होने वाले 80 हो गए, तो 80 में से हम क्या करेंगे, इधर 35 माइनस कर देंगे, तो 45 आ गया, तो 45 हम नहीं लेंगे क्योंकि मैक्सिमम रेंज 40 है, तो 40 हम लेंगे। सो ए इज एक्सप्रेस्ड एज अ होल नंबर इन बिटवीन 0 to 40, लोअर लिमिट। तो इसका फॉर्मूला क्या गया, ए इट इज द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रॉन, ठीक है, ग्रेटर देन 35, इसलिए हमने 35 माइनस किया, -35 इज नॉट ग्रेटर देन 40, रेंज हो गई है। बी क्या है, इट इज अ पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रॉन ग्रेटर देन 15 बट नॉट एक्सीडिंग 55,
is SI similarly B, percent to percent 75 micro minus 15, not greater than 40. B is expressed as whole number in Newton, 0 to 40, uski bhi range hai, lower limit 15, upper limit 55 aa gaya. Uske baad aata hai C kya hai, it is a part of liquid limit, which is greater than 40%, not exceeding 70%. Range kya aa gayi, lower limit 40, upper 60, range 20 aa gayi. C, it is a liquid limit hai, greater than 40, or less than 60, range 20 aa gayi. Matlab formula kya hua hai, C is a liquid limit, W upper minus 40, not greater than 20 aa gaya. C is expressed as whole number in between 0 to 20 aa gaya. D, it is a part of plasticity index which is greater than 10% but not exceeding 30%. Range kya aa gayi? 20 aa gayi. Lower limit 10, upper limit 30 aa gaya. So plasticity index IP percent is minus 10 aa gaya. Not greater than 20 hota hai. 20 se upar ka nahi hona chahiye. D is expressed as a whole number in between 0 to 20. A and B particle size aata hai. C compressibility aata hai. Liquid limit use kehte hai. Aur D plasticity aata hai. IP percentage use kehte hai. Uske baad note dekho kya hai idhar. Note. While calculating A, B, C and D, if any value comes negative, then it will be taken as 0. Or any value comes greater than range, then maximum range upper limit, O lena hai. E do point yaad mere ko. Important point kya hai dekho. Minimum value of group index 0 hota hai, maximum value 20 hota hai. GI value is expressed as whole number in between 0 to 20 at higher side for safety. Higher side safety ke liye dekho, wo whole number hota hai. Higher the value of GI, lower value the quality of the soil for pavement construction. GI value, soil for pavement. 0 to 2, tab good hota hai. 2 to 5, इन सम बुक्स 2 टू 7 भी है फेयर होता है 5 टू 10 7 टू 10 इन सम बुक्स पोर होता है 10 टू 20 वेरी पोर होता है एक एग्जांपल देखो इधर क्या है एग्जांपल क्या है प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स फॉर अ गिवन सीवी एनालिसिस लिक्विड लिमिट 70% दिया प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिक इंडेक्स 15% दिया तो हमने 600 ग्राम सॉइल ली 4.75 माइक्रोन से रिटेन हो गई 100 तो नीचे आ गई 500 ग्राम इधर 500 रिटेन हो गई तो 550 आ गई नीचे 2 mm से 1 mm से कितने आ गई 500 रिटर्न हो गई 50 रिटर्न हो गई 400 आ गई 40 रिटर्न हो गई 360 आ गई 75 माइक्रोन से हमारा क्या है परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन कितना हो गया 360 पास हो गया 700 में से 360 60% पासिंग हो गया तो ए क्या कि ए कितना आया अकॉर्डिंग टू फार्मूला 60 माइनस 35 25 बी 60 माइनस 15 45 आ गया मतलब रेंज 40 है तो हम ए नहीं लेंगे अपर लिमिट 40 होना चाहिए तो 40 लेंगे सी कितना आ गया लिक्विड लिमिट 70 माइनस 40 30 आ गया C इज इक्वल टू हम 20 लेंगे रेंज उसकी 20 होती है उसके बाद D कितना आ गया 15 टू 10 क्योंकि 15 दिया है 10 अपर लोअर लिमिट होता है तो 5 आ गया तो A हो गया B हो गया C हो गया D हो गया तो ग्रुप इंडेक्स कितना आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में हमने पुट करने के बाद इधर हमने पुट की है तो 9.5 है तो हम हायर साइड सेफ्टी के लिए लेंगे तो होल नंबर लेंगे तो 10 आ गया फॉर सेफ्टी के लिए सी आपको मालूम है 40 क्यों है क्योंकि लिक्विड लिमिट विच इज ग्रेटर देन 40 एंड नॉट एक्सीडिंग 60 इसलिए 40 हमने माइनस कर दिया अब उसका स्क्रीनशॉट ले सकते उसके बाद ए हो गया हाईवे रिसर्च सॉइल क्लासिफिकेशन उसके बाद आता है फोर्थ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप कोरस ग्रेनाइट सॉइल एंड फाइन ग्रेनाइट सॉइल सीजीएस एंड एफजीएस वो क्या है हम देखेंगे वो थोड़ा डीप में है उसमें कोरस ग्रेनाइट सॉइल किसे कहते हैं वो कैसी कैसी उसकी क्लासिफिकेशन होती है उसके बारे में सब हम जानकारी लेने वाले है कोर्स ग्रेनाइट सॉइल क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज फाइननेस कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीयू कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी होता है ए सॉइल इज टर्मड एज कोर्स ग्रेनाइट सॉइल इफ 50% और मोर देन 50% सॉइल पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन 75 माइक्रोन और रिटेन्ड ओवर 75 माइक्रोन अदरवाइज इट इज अ फाइन ग्रेनाइट सॉइल मतलब 75 माइक्रोन के ऊपर 50 या 50% से ऊपर तक रिटेन होना चाहिए तभी हम उसे कोर्स ग्रेनाइट कहते हैं ना 75 माइक्रोन से ऊपर तक होना चाहिए ठीक है उसमें कोर्स ग्रेन में क्या आता है उसमें कोर्स ग्रेन सॉइल उसमें सिल्ट भी होता है और क्ले भी होते हैं थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में तो वो उसके डिपेंडेंस अपन उसका कोर्स ग्रेन का फाइनेस हम निकालते हैं तो वो फाइनेस कैसे निकलते हो देखो वो टर्म क्या है कोर्स ग्रेन में फाइनेस क्या है दिस टर्म इज डिपेंड ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव सिल्ट प्लस के इस टर्म इज फाइनेस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल एग्जांपल इफ कोर्स ग्रेन कंटेंट 25 सिल्ट एंड 15% इज क्ले देन फाइनेस कितना होगा 20 प्लस 15 35 मैक्सिमम फाइनेस 50% होना चाहिए ठीक है कोर्स ग्रेन सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ग्रेवल एंड सैंड भी उसमें कोर्स ग्रेन का ग्रेवल और सैंड में भी उसका कन्वर्जन करते हैं सॉइल इज टर्मड एज ग्रेवल इफ 50% और मोर देन 50% ऑफ कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन रिटेन्ड ओवर 4.75 cm कोर्स ग्रेन मतलब 75 माइक्रोन से ऊपर तक होती है उसमें भी ग्रेवल होती है और सैंड होती है ग्रेवल कब होता है जब रिटेन होती है फ्रैक्शन 50% से ऊपर तक 4.75 mm उसे ग्रेवल कहते और ग्रेटर देन 4.75 अदरवाइज इट इज हम सैंड कहते ऑल्सो कोर्स ग्रेन सॉइल ग्रेडेशन के ऊपर से वेल ग्रेडेड पोर ग्रेडेड और फाइननेस के ऊपर से सिल्ट और क्ले ऐसे हम कोर्स ग्रेन का हम अलग से उसका क्लासिफिकेशन करते हैं प्रेजेंटेशन क्या है देखो उसके बाद हम आगे इस प्रेजेंटेशन से जान लो ग्रेवल को हम जी कहेंगे सैंड को यस सिल्ट को यम क्ले को सी ऑर्गेनिक सॉइल को ओ कहेंगे और वेल ग्रेडेड सॉइल को डब्ल्यू और पोर ग्रेडेड सॉइल को हम पी कहने वाले है ठीक है
ये छोटा ब्रैकेट में क्या दिया है, देखो हमने एक क्या दिया है, इफ सैंड इज ग्रेटर देन ग्रेवल होगा तो हम उसे सैंड कहेंगे, ग्रेवल ग्रेटर देन सैंड होगा तो उसे हमें क्या कहेंगे, ग्रेवल कर देंगे, और ग्रेवल इज ग्रेटर देन सैंड होगा तो हमें उसे ग्रेवल कर देंगे कह देंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन टू सॉइल, हम क्लासिफिकेशन करने वाले कोर्स ग्रेन टू सॉइल का, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट निकाले, स्कैन करें, पीडीएफ बना दे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन टू सॉइल, देखो हम कोर्स ग्रेन टू सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं, उस कोर्स ग्रेन के सॉइल का हम फाइननेस के ऊपर से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कैसे कैसे दे, व्हेन फाइननेस इज लेस देन 5% हो गया, फाइननेस 5% ही नीचे 50% से ऊपर तक फाइननेस होगा, मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, मैक्सिमम फाइननेस ऑफ कोर्स ग्रेन टू सॉइल 50%, तो व्हेन फाइननेस इज लेस देन 5% हो गया तो हम उसे सिल्ट और क्ले की भाषा में हम रिप्रेजेंट ही नहीं गए, तो उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या है, सिंगल रिप्रेजेंट, ओनली ग्रेडिएशन इंपॉर्टेंट, मतलब वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है यही हम दिखाएंगे, फाइननेस सिल्ट क्ले या मेंसी नॉट इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके बाद जो अलग उसका आगे का क्लासिफिकेशन होता है, फाइनेंस इज 5-15% उसके बीच में आ गया फाइनेंस, तो हम उसे इधर क्या होता है, ग्रेडेशन भी इंपॉर्टेंट होता है और क्ले और सिल्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन बोथ ग्रेडेशन डब्ल्यूपी एंड सिल्ट क्ले एमसी इंपॉर्टेंट हो गया, फाइनेंस इज ग्रेटर देन 15% हो गया, व्हेन फाइनेंस इज ग्रेटर देन 15% मतलब 50% से ऊपर ऊपर फाइनेंस हो गया, मतलब सिल्ट और क्ले का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, तो वेल ग्रेडेशन ग्रेडेंट के बारे में कुछ हमें इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इधर सिल्ट और क्ले के भाषा में उसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो सिंगल रिप्रेजेंटेशन ओनली सिल्ट क्ले एमसी आर इंपॉर्टेंट, ग्रेडेशन डब्ल्यूपी नॉट इंपॉर्टेंट, तो ए है क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन टू सॉइल, फाइनेंस लेस देन 5% फाइनेंस 5 और 15 के बीच में और फाइनेंस ग्रेटर देन 15% के बीच में, उसके ऊपर से इन तीन के और भी अलग अलग टाइप होते हैं सब टाइप, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट निकाल दो आप, ठीक है हम शुरू करने वाले, ठीक है इधर देखो, व्हेन फाइनेंस इज लेस देन 5% सिंगल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोर्स ग्रेन का सॉइल का ही हो गया, वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड करना करेंगे हम, क्योंकि फाइनेंस बहुत कम है उसमें, सिल्ट और क्ले की कोई जरूरत ही नहीं, इंपॉर्टेंट ही नहीं, तो कोर्स ग्रेन किसे कहते हैं, क्राइटेरिया 75 माइक्रॉन हो गए। उसके बाद ग्रेवल हो गया, तो ग्रेवल में क्या हो गया, क्राइटेरिया 4.75 mm से ऊपर तक, और सैंड के लिए क्राइटेरिया 4.75 नीचे तक हो, ग्रेवल में क्या हो गया, वेल ग्रेडेड हो गया, जीडब्ल्यू मतलब क्या होता है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता है, और जीपी मतलब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल होता है, ऐसे ही सैंड में क्या होता है, एसडब्ल्यू वेल ग्रेडेड सैंड, एसपी पुअरली ग्रेडेड सैंड होता है, ग्रेवल हो गया मतलब क्या हो गया, ग्रेवल ज्यादा है सैंड से इसलिए जी इज ग्रेटर देन एस, और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल उसमें भी ग्रेवल ही है तो ग्रेवल ही ज्यादा होगा, जी इज ग्रेटर देन एस हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एस हो गया सैंड से। इधर कोई पेशेंट ऑफ इनोपरमिटी 4 आता है एंड कोई पेशेंट ऑफ कर्वेचर क्या आता है 1-3 आता है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए वेल ग्रेडेड में, ठीक है। और इधर क्या होता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल में क्या होता है, आइदर एनी ऑफ सीयू एंड सीसी कंडीशंस और बोथ सीयू एंड सीसी कंडीशंस नॉट सैटिस्फाई, सीयू और सीसी कंडीशन भी सैटिस्फाई नहीं होने, आइदर एनी वन और बोथ ही कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती तो उसे हम पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कहते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेवल का परसेंटेज ज्यादा है इसलिए कहते हैं सैंड से, सैंड में ऐसे ही सैंड ज्यादा है ग्रेवल से इसलिए हमें उसे सैंड कहना पड़ता है। इधर पुअरली में भी एस इज ग्रेटर देन जी, इधर क्या है सीयू इज ग्रेटर देन 6 होता है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1-3 होता है, इसमें भी ऐसा ही है आइदर एनी ऑफ सीयूएनसीसी कंडीशंस और बोथ सीयूएनसीसी कंडीशंस नॉट सैटिस्फाई, ए हो गया फाइननेस लेस देन 5% सिंगल रिप्रेजेंटेशन हो गया कोर्स ग्रेन सॉइल का। उसके बाद व्हेन फाइननेस इज ग्रेटर देन 15% ओ लास्ट का जो था क्लासिफिकेशन वो हम देख रहे हैं, उधर भी सिंगल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है कोर्स ग्रेन सॉइल, ग्रेवल आता है सैंड आता है, ग्रेवल में क्या आता है देखो क्योंकि इधर फाइननेस ज्यादा है तो उधर ग्रेडेशन की कोई जरूरत नहीं, सिल्ट और क्ले की जरूरत है इसलिए हम उसे क्लासिफाई सब टाइप में करते हैं, जीएम सिल्टी ग्रेवल है, जीसी क्ले ग्रेवल है, और जीएम जीसी सिल्टी क्ले ग्रेवल कहते हैं और क्ले सिल्टी ग्रेवल कहते हैं क्योंकि उसमें सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, ग्रेवल है मतलब सैंड से ज्यादा है, जी इज ग्रेटर देन एस, जी इज ग्रेटर देन एस, जी इज ग्रेटर देन एस, इधर सिल्टी ग्रेवल है मतलब सिल्ट ज्यादा है क्ले से, एम इज ग्रेटर देन सी, इधर क्ले ग्रेवल सी इज ग्रेटर देन एम हो गया, और इधर दोनों भी है तो उसका प्रोपोर्शन सेम आता है लगभग, एम इज इक्वल टू सी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या आता है देखो, इधर प्लास्टिसिटी लेस देन 4% आता है मतलब इसमें ग्रेवल ज्यादा है, और सॉइल लाइज बिलो ए लाइन इन प्लास्टिसिटी चार्ट, ये हम आगे देखने वाले प्लास्टिसिटी क्या चार्ट का मतलब क्या है, तो सॉइल बिलो प्लास्टिसिटी चार्ट, इधर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7 होता है क्ले है तो प्लास्टिक बहुत होना चाहिए, सॉइल लाइज अबो ए लाइन इन प्लास्टिसिटी चार्ट, और इधर क्या है 4-7% के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स होना चाहिए और सॉइल लाइज इन हैचेड पोर्शन ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट, ये हम देखने वाले आगे, ठीक है। उसके बाद कोर्स ग्रेन में व्हेन फाइननेस ग्रेटर देन 15% हो गया, ग्रेवल भी हम कर सकते हैं और सैंड भी कर सकते हैं,
दो कैसे कोर्स ग्रेन में 75 मार्क से ऊपर का कोर्स ग्रेन होता है, कोर्स ग्रेन में मतलब ग्रेवल और सैंड में क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें सिल्ट थोड़ा थोड़ा होता है, तो सैंड भी आ गया। तो सैंड में हम सिल्टी सैंड कहते हैं, क्लेई सैंड कहते हैं, सिल्टी क्लेई और क्लेई सिल्टी सैंड भी कहते हैं, ऐसे हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। जो मिडल का था इंटरमीडिएट, मतलब 5% से 15% तक में फाइनेंस था, तो उसके लिए जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन आज हम देखने वाले, उसका स्क्रीनशॉट निकाला आप अपने, तो आज थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। ये देखो कोर्स ग्रेनेड सॉइल ग्रेवल, देखो ये देखो ग्रेवल देखो, ठीक है। ग्रेवल में क्या था, ग्रेवल आ गया और इधर क्या आ गया, इस सैंड आ गया, ठीक है। तो ग्रेवल में हम फाइनेस 5-15% के ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए 5-15% के बीच में है, इसलिए हमें ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। तो उसमें जीडब्ल्यू जीएम क्या हो गया, जीडब्ल्यू जीडब्ल्यू हो गया, जीएम हो गया। जीडब्ल्यू मतलब क्या हो गया, ग्रेवल वेल, ग्रेवल सिल्टी, वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल हो गया। उसके बाद क्या आता है, ग्रेवल है मतलब जी इज ग्रेटर देन एस हो गया, मतलब सिल्टी है, एम इज ग्रेटर देन क्ले हो गया सिल्ट, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बिटवीन 1-3 हो गया, जो है वो पीछे जैसा था वैसा ही है, प्लस इंटेग्रल लेस देन 4% हो गया, सॉइल लाइज बिलो ए लाइन हो गया। उसके बाद क्या आता है, ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन, वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, ग्रेवल ज्यादा है सैंड से, जी इज ग्रेटर देन एस, क्ले ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ग्रेटर देन 4, 1-3, क्ले है इसलिए प्लास्टिसिटी ग्रेटर देन 7%, सॉइल लाइज अबो ए लाइन। जीपीजीएम वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल हो गया, ग्रेवल जी इज ग्रेटर देन एस, एम इज ग्रेटर देन सी, सी यू एन सी सी और बोथ सी यू एन सी सी कंडीशन नॉट सैटिस्फाई होता है, इसमें पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल हो गया, तो और लेस देन 4% प्लास्टिसिटी और सॉइल लाइज बिलो ए लाइन हो गया। उसके बाद आता है जीपीजीसी पुअरली ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, ग्रेवल है जी इज ग्रेटर देन एस, क्ले ज्यादा है, एम सी एन सी सी और बोथ सी एन सी सी कंडीशन नॉट सैटिस्फाई, प्लास्टिसिटी ग्रेटर देन 7% और सॉइल लाइज अबो ए लाइन हो गया। ऐसा ही ग्रेवल का कर दिया हमने क्लासिफिकेशन, वैसा ही हम सैंड का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सैंड का क्लासिफिकेशन कैसा आया था, देखो ये क्या हो गया, वेल ग्रेडेड, ठीक है, वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, पोअरली ग्रेडेड वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड हो गया, एसडब्ल्यूएसएम, वेल ग्रेडेड क्लेई सैंड हो गया, उसके बाद पोअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड हो गया और पोअरली ग्रेडेड वेल सिल्टी सैंड और पोअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड भी हो गया, पोअरली क्लेई सैंड, ऐसा हम उसका सैंड का क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका हम ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है ए हो गया कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ए सॉइल इज टर्मड एज फाइन ग्रेन सॉइल इफ मोर देन 50% सॉइल फ्रैक्शन पासेस थ्रू 75 माइक्रोन। कोर्स ग्रेन में कैसा था, 75 माइक्रोन के रिटेन होना चाहिए, 75 माइक्रोन सीयू पे 50 या 50 से ज्यादा। अब इसमें क्या आ गया फाइन ग्रेन में 50% और 50% से ज्यादा 75 से पास होना चाहिए, वही तो डिफरेंस है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कॉम्प्रेसिबिलिटी, डब्ल्यूएल परसेंटेज, प्लास्टिसिटी, आईपी परसेंटेज। 3 टाइप्स आते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के, क्ले हाईली प्लास्टिक होता है, सिल्ट लो प्लास्टिक होता है, ऑर्गेनिक सॉइल लो प्लास्टिक होता है। फाइन ग्रेन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, लो कॉम्प्रेसिबल एल मतलब लेस देन 35% लिक्विड लिमिट, इंटरमीडिएट 35-50% लिक्विड लिमिट, हाईली कॉम्प्रेसिबल ग्रेटर देन 50% लिक्विड लिमिट। 2 कंसेप्ट, आईपी कंसेप्ट प्लास्टिसिटी लेस देन 4 सिल्ट हो गया, ग्रेटर देन 7 क्ले हो गया। ए लाइन कंसेप्ट क्या है, सॉइल बिलो ए लाइन सिल्ट ऑर्गेनिक हो गया, सॉइल अबो ए लाइन क्ले हो गया, सॉइल इन हैजर्ड पोर्शन एम इज इक्वल टू सी, सिल्ट इज इक्वल टू क्ले हो गया, ये तो आपको मालूम है। प्लास्टिसिटी चार्ट क्या है, देखो ए है प्लास्टिसिटी चार्ट, इन ऑर्डर टू सेपरेट इनऑर्गेनिक क्ले फ्रॉम इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल कैसग्रेंड डिफाइंड ए लाइन टर्मलाइज ए लाइन ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट, ए लाइन रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन लिक्विड लिमिट, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं आईपी परसेंटेज, मतलब डब्ल्यू एल परसेंटेज एंड आईपी परसेंट के बीच में जो गैप है, डब्ल्यू एल परसेंटेज आईपी परसेंट के बीच में जो गैप है उसे क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट। सॉइल अबो ए लाइन इज टर्मलाइज क्ले, ए लाइन के ऊपर की सॉइल हो गई क्ले हो गई, और सॉइल बिलो ए लाइन इज टर्मलाइज सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल, सॉइल बिलो ए लाइन क्या होगी सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल होगी, मोर हो। इन ऑर्डर टू मेक द प्रेजेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ सॉइल ए लाइन टर्मलाइज यू लाइन इज डिपेंड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट, नो सॉइल लाइज अबो यू लाइन, इन ऑर्डर टू मेक द प्रेजेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ सॉइल
सॉइल्स ए लाइन टर्मडाइज यू लाइन इज डिपेंडेड ऑन प्लास्टिक डिस्चार्ज नो सॉइल लाइज अबाउ यू लाइन यू लाइन है उसके ऊपर सॉइल कोई नहीं होती और ये अपर लिमिट होता है इसलिए उसे यू लाइन कहते हैं। ये जो हाइड्रेट पोर्शन में है एक क्ले सिल्टी सॉइल होती है ठीक है लोअर कॉम्प्रेसिबल होती है ठीक है 4-7%। इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है आईपी परसेंटेज इज इक्वल टू 0.75 WL ± 20% आईपी परसेंटेज मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल और प्लास्टिसिटी इज इक्वल 0.75 इन ब्रैकेट WL% -20 ए ऐसा इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। ये क्या है देखो नीचे वाला सिल्ट है ऊपर वाला क्ले है तो नीचे क्या है देखो ML मतलब क्या है लो कॉम्प्रेसिबल सिल्ट और ऑर्गेनिक सिल्ट ओएल भी कहते हैं इंटरमीडिएट सिल्ट और इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक सॉइल हाई सिल्ट हाईली कॉम्प्रेसिबल सिल्ट और ऑर्गेनिक हाईली कॉम्प्रेसिबल सॉइल ऐसा ही ऊपर का है लो कॉम्प्रेसिबल क्ले इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल क्ले हाई कॉम्प्रेसिबल क्ले ए लाइन हो गई यू लाइन हो गई इधर इसके ऊपर नो सॉइल होती है एचडी पोर्शन है 4-7% के बीच में आता है उसे क्ले सिल्ट भी कहते हैं। ये आईपी परसेंट हो गया AWL% LL% हो गया ए भी परसेंटेज में इधर लिखा है और ए भी परसेंट में इधर लिखा है तो ए है प्लास्टिसिटी चार्ट। तो उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने ठीक है उसके बाद सॉइल का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसे कैसे नाम देना चाहिए उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम देखेंगे स्क्रीनशॉट ले उसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ लिक्विड लिमिट इज ग्रेटर देन 20% देन यूज ए लाइन कंसेप्ट डोंट सी आईपी परसेंट वेदर आईपी इज लेस देन 4 और ग्रेटर देन 4 ठीक है ये पहला रूल है। उसके बाद आता है इफ लिक्विड परसेंट इज लेस देन 20% और इक्वल टू 20% देन यूज आईपी कंसेप्ट वेदर आईपी इज लेस देन 4 और आईपी इज ग्रेटर देन 4 डोंट सी ए लाइन। इफ लिक्विड लिमिट परसेंट इज नॉट गिवन इन प्रॉब्लम देन यूज आईपी कंसेप्ट इफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी बोथ आर नॉट गिवन इन प्रॉब्लम देन यूज पार्टिकल साइज क्राइटेरिया टू क्लासिफाई सिल्ट एंड क्ले प्राइमरी एंड मेन क्राइटेरिया फॉर सॉइल क्लासिफिकेशन इज पार्टिकल साइज चेंज यूर अप्रोच अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन इन प्रॉब्लम मतलब जो ऑप्शन होते हैं उस अकॉर्डिंग से चेंज करना चाहिए आपको आपका अप्रोच मतलब एग्जाम कौन सी है एमपीएससी गेट है आईएएस एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से जो प्रॉब्लम आते हैं उसके जो सॉल्यूशन आते हैं उसके जो ऑप्शन होते हैं उस हिसाब से हमने अप्रोच चेंज करना चाहिए। एक एग्जाम है आपको समझने के लिए तो उस एग्जाम में क्या क्या दिया है समझो लिखो ए एग्जाम की फिगर है उसमें क्या है कोर्स ग्रेनेड फाइन ग्रेनेड सॉइल फाइननेस निकालो क्ले ग्रेवल सिल्टी ग्रेवल कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर D10 D30 D60 W और P वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड एम और सी सिल्ट और क्ले सॉइल नेम इतना हमें कहा है कि इतना इतना निकालो। ये प्रॉब्लम देखो इस प्रॉब्लम में क्या है 500 ग्राम सॉइल ली 300 माइक्रोन से हमने पास कर दी तो 200 ग्राम ऊपर रह गई रिटेन हो गई 300 ग्राम नीचे आ गई मतलब 60% आ गई 500 में से 300 ये 75 माइक्रोन है उसमें से क्या हो गई 50 रिटर्न हो गई 250 आ गई 50 माइक्रोन से क्या हो गई 150 आ गई 100 रिटर्न हो गई 2 माइक्रोन से 100 आ गई 50 रिटर्न हो गई 10 माइक्रोन से 50 आ गई नीचे 50 रिटर्न हो गई 10% ही नीचे आ गई 50 ग्राम आ गई 500 सा 10% आ गई इधर 10 माइक्रोन के नीचे 2 माइक्रोन की सी होनी चाहिए इधर 75 माइक्रोन की सी है। तो ये देखो फर्स्ट सैंड बाय पार्टिकल साइज तो क्या हो गया इधर 75